इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले हमें हेडर फाइल लेना होगा। ये तो यहाँ पर हमने जो हेडर फाइल लिया है वो है #include_stdio.h। यहाँ पर आपको conio.h लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि यह जो प्रोग्राम रन किया जाएगा वो रन किया जाएगा एक ऑनलाइन कंपाइलर पर। यहाँ पर मैंने जिस ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ किया है वो अवेलेबल है onlinegdb.com पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर जब आप हेडर फाइल ले चुके हों उसके बाद आप लिख सकते हैं int main function। यहाँ पर आप int main function की जगह सिंपल main function ऐसा भी लिख सकते हैं। main function लिखने के बाद हमें लिखना होगा opening curly braces। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि opening curly braces main function के complete होने के just बाद आ गया है, लेकिन आप कोशिश ये करें कि इस ओपनिंग करली ब्रेसेस को आप नेक्स्ट लाइन पर ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद हमने यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल डिफाइन किया है जिसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शन तक ही लिमिटेड है, इसलिए इसे कहा गया है लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पर जो हमने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो एक इंटीजर वेरिएबल है और उसकी वैल्यू को हमने डिफाइन किया हुआ है 10। इसके बाद हम इस डिफाइन किए गए वेरिएबल के लिए एक बूलियन कंडीशन चला रहे हैं। बूलियन कंडीशन का मतलब एक ऐसी कंडीशन जहां पर वैल्यू का ट्रू या फॉल्स होना चेक किया जाता है। तो हमने यहाँ पर एक बूलियन कंडीशन दिया इफ़ ए लेस देन इक्वल 20, क्या ए 20 से छोटा है। तो यदि यह कंडीशन ट्रू होगी तो इस इफ़ स्टेटमेंट के अंतर्गत रखा हुआ यह प्रिंटएफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यदि यह कंडीशन फॉल्स हो जाता है तब यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी कि यदि सपोज़ a इक्वल 20 है, इसका मतलब वह 20 से लेस है, इसलिए प्रिंट होगा a इज़ लेस देन 20। तो ये जो है ये आपका एक सिंपल इफ स्टेटमेंट है, यह आपका एक सिंपल इफ स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट से बाहर आने के बाद हमने प्रिंट कराया है प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए इज़ %d, यानी ए की जो भी वैल्यू रहेगी वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में हमने ए की वैल्यू को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। यहाँ पर चाहें तो आप सिंपल ए को इस तरीके से लिखें और ए की वैल्यू को यूजिंग प्रिंट एफ आप एंटर कराएं ताकि आप इस सिंपल इफ स्टेटमेंट से होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को या परिणाम को अच्छे ढंग से समझ सकें कि यह सिंपल इफ स्टेटमेंट अच्छे ढंग से वर्क कर रहा है या नहीं। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट जानने के लिए हमें क्या करना होगा, इस प्रोग्राम का आउटपुट जानने के लिए आपको यहाँ पर लिखे हुए यहाँ पर आपको एक रन ऑप्शन दिखाई देता है। इस रन ऑप्शन पर आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। तो मैं जैसे यहाँ पर रन ऑप्शन को क्लिक करता हूँ वैसे ही यहाँ पर आउटपुट प्रदर्शित होगा। तो आउटपुट प्रदर्शित होने लगेगा, तो आउटपुट जो प्रदर्शित होगा वो कुछ इस तरीके से होगा।
आउटपुट कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। तो इस विंडो को आपको क्या करना है, बड़ा करना है। तो ये आ गया आपका आउटपुट, ए इज़ लेस देन 20, वैल्यू ऑफ ए इज़ 10। यह आपके प्रिंटफ स्टेटमेंट के बेसिस पे आया है, जो जो आपने यहाँ पर लॉजिक्स वगैरह दिए उसके बेसिस पे आया है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।